गाइस, आयरलैंड वुमेन्स वर्सेस जिम्बाब्वे वुमेन्स के बीच होगा आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मैच, जहाँ पे दोस्तों मेरा तीन डिफेंशियल प्लेयर, एक तो एमी हंटर विकी से वैल्यू दे सकती है दोस्तों, प्लस इनका हेड टू हेड मैचअप भी ठीक ठाक है, अच्छी डिफेंशियल है, बट ये ना प्लेयर कंप्लीट हिट और मिस है, मतलब कभी चलती है कभी नहीं चलती है। बट जो ओल्ड पेंडरगेस्ट है ना, मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि शायद पब्लिक इनको ड्रॉप करके जाए। इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, स्पेशली विद बॉल अच्छा है। एक रिसेंटली एक सीरीज हुआ था आयरलैंड और जिम्बाब्वे का, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा किया था और उसमें उन्होंने बॉलिंग भी किया। कैलिस एंड लबू सबसे बेहतरीन हेड टू हेड रिकॉर्ड है, अगर सब पूरा टीम मैच कर लेते हो दोस्तों, इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और पब्लिक ना इसको इनको सबसे कम कैपबीसी के चांसेस रखेंगे, बट मैं मानता हूँ कि इनको कैपबीसी बनाना चाहिए इवन स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में। चलो डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ड्रीम इलेवन टीम। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी टारगेट है मेरा 100 के फैंटेसी दुनिया मेंबर्स, उस लिए दोस्तों मैक्सिमम मैचेस स्पेशली एसोसिएट्स के मैचेस के अपडेट डेमोटिव मैं शेयर करते रहूँगा आपके साथ टेलीग्राम पे। आपको जुड़ना है टेलीग्राम, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और 100 लाइक्स 100 कमेंट्स, ये आपके लिए मैंने टारगेट रखा, बहुत ही छोटा टारगेट है 100 लाइक्स और 100 कमेंट। आपको सिर्फ आपके हिस्से की एक लाइक और एक कमेंट कर देना है, मैं इस मैच का डेमो टीम आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब तक ये सीरीज बहुत अच्छा रहा, होप फ्यूचर में भी अच्छा जाए। चलते हैं हम लोग एनालिसिस पॉइंट में। दोस्तों 4:30 बजे ये मैच इंडियन टाइम स्टार्ट होगा, आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। पिच स्टैट्स, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, 110 यहाँ पे ऑन एन एवरेज रन बन जाते हैं दोस्तों। सीरीज प्रीव्यू अगर देखते हो, ये वेन्यू स्लाइटली बेटर है बैटिंग के लिए कम्पेयर टू टॉलरेंस ओवल। सीरीज प्रीव्यू मैचेस 8, 3 बार बैट फर्स्ट, 5 बार चेजिंग ने विन किया। आयरलैंड के प्लेयर्स में आते हैं दोस्तों, आयरलैंड से आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे एमी हंटर, गैबी लुइस, ओल्ड पेंडरगेस्ट, लॉरा डिलानी, रेविका स्टोकल, एम आई चर्सन होगा कुछ बैटिंग ऑर्डर। लास्ट मैच में गैबी लुइस 27, ये ना इनका स्टार प्लेयर है, 27 का एवरेज है, बहुत अच्छी प्लेयर है, मेरे हिसाब से इनको बैक करो, अपने टीम में जरूर रख लो, सबसे बेहतरीन बैटर है दोनों टीम मिला के दोस्तों, बहुत तगड़ा बैटिंग करते और लंबा इनिंग्स खेल सकती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमियो खेलेंगे, नहीं, बड़ा इनिंग्स आ सकते हैं दोस्तों इनसे। एमी हंटर, अगर आप एमी हंटर का देखोगे दोस्तों, एक और अच्छी चॉइस रहेंगी मेरे हिसाब से, बहुत ही सेफ और साउंड चॉइस है एमी हंटर। और विकी से विकी में देखोगे तो मोडेस्टर मुपाचिकवा कुछ खास कर नहीं रही है, ऐसे में दोस्तों ये जो प्लेयर रहेंगी ना, ये समाव मेरा मानना है कि सेफर चॉइस है, तो इनको बैक कर सकते हो दोस्तों एमी हंटर को, ठीक है, अच्छी चॉइस है, सेफ चॉइस है और टीम में रखना सही होगा। कैप बी सी बनाना, देखो कैप बी सी बनाना फिलहाल के लिए थोड़ा रिस्की है मैटर, बट एज अ प्लेयर बैक कर सकते हो। ओल्ड पेंडरगेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों, और इन्होंने लास्ट मैच में 22 रन का नॉक खेला था, ये कैचेस भी लेते हैं, बॉलिंग कर सकती है, पहले तो बॉलिंग करती थी 48 मैच में 107 ओवर, पर रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने बॉलिंग कम कराया। ये जो आपको परफॉर्मेंस दिख रहा है ना, ये हेड टू हेड का परफॉर्मेंस है दोस्तों, इसी ओपोनेंट के अगेंस्ट आया था दोस्तों इनका परफॉर्मेंस, ओल्ड पेंडरगेस्ट का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है इनका, छोड़ने से रिस्क होगा मेरा मानना है, स्पेशली बैट फर्स्ट तो और भी नहीं छोड़ सकते हो। लॉरा डिलानी 4 ओवर बॉलिंग से प्लीज, और उसके बाद बैटिंग भी करेंगी। गाइस, लॉरा डिलानी का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है दोस्तों ये ना कैप्टेंसी करती है, तो इनको बॉलिंग भी मिलता है, इनको बैटिंग भी मिलती है दोस्तों, इस रीज़न से ये ज़्यादा बेटर चॉइस होती है। बट अगर क्वालिटी वाइज मेरे से पूछोगे तो मुझे पर्सनली उतना फेवर्ड नहीं लगती है, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप दो टीम के साथ जा रहे हो तो एक टीम में कैप्टन बना लेना, क्योंकि लास्ट मैच में भी इन्होंने डेथ में बॉलिंग डाले थे दोस्तों, विकेट लेस थी बट स्टिल डेथ में डाली थी दोस्तों, ठीक है, तो वहाँ पर विकेट इनको मिल सकता है और बैटिंग से भी वैल्यू दे सकती है 15-20 का। रेविका स्टोकल इग्नोर करो, एम आर रिचर्सन ने 4 ओवर बॉलिंग से फिर बैटिंग से 22, स्पेशली बैट फर्स्ट कैप भी सी बना सकते हो, बट वही बात है लॉरा डिलानी कैप्टनसी कर रही है तो कोई गारंटी नहीं इनसे कितना ओवर कराएंगी। ये वार्म अप में बॉलिंग कराए थे दोस्तों, लास्ट मैच में किसी ने इनको नहीं लिया था, मैंने इनको लिया था और आपको सजेस्ट भी किया था कि वार्म अप में बॉलिंग डाली तो शायद ये बॉलिंग डालेंगे, और इन्होंने बॉलिंग डाला और विकेट भी निकाला। ली बॉल, डो नॉट बॉल, ये भी बॉलिंग कर सकती है। अर्लिन केली इनके स्टार ऑप्शन है, बट देखो अर्लिन केली ने सिर्फ 3 ओवर डाला, तो ये टीम बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस यूज़ करते हैं। अब गैनिंग ने भी 3 डाला, कारामुरे ने चार ओवर डालना है हर मैच में, बट इनके अलावा अब गैनिंग, अर्लिन केली दोस्तों, या फिर एनी अदर प्लेयर दोस्तों, इनके ओवर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ऐसे में दोस्तों जब प्लेयर्स के ओवर्स डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं दोस्तों, हम लोग के लिए एक बात होगा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ओवर कंप्लीट कराएगा भी या नहीं कराएगा, जो आपको दिखेगा इस सीरीज में। जैसे कि अलाना डलजेल ने 2 ओवर डाला, तो यहाँ पे एनी चांस है कि अलाना डलजेल का 1 ओवर इंक्रीज हो जाए, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो अवा कैनिंग है
वो दोस्तों डेथ में आ जाए बॉलिंग करने के लिए या फिर इनका एक ओवर इंक्रीज हो जाए, तो ये एक फैक्टर जब जब ये टीम खेलेंगी दोस्तों ये प्ले में रहेगा। तो कीप इट इन माइंड दोस्तों, आयरलैंड ओमेंस बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन यूज़ करते हैं, लास्ट मैच में तो स्टिल 6 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ किया था, ये इससे भी ज़्यादा यूज़ कर लेती है। देखोगे लॉरा डिलानी ने 16-18-20 ये कम्प्लीटली डेथ में डाला बट स्टिल विकेटलेस। इनको सपोर्ट मिला अलन गैली से डेथ में और करामुरे से। करामुरे ओवर कंप्लीट करेंगे, सिर्फ एक प्लेयर है जो जेन्युइनली ओवर कंप्लीट करती है, ये कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए दोस्तों चेकआउट कर सकते हो। जिम्बाब्वे देखोगे तो लास्ट मैच जीता है, उससे पहले हारा है। शॉन मैस ओपन मुडस्टर मुपचिकुआ त्रिपानो मुसोंडा, दोनों टीम का अगर इंटरनेशनल रैंकिंग देख लोगे तो दोस्तों आयरलैंड का इंटरनेशनल रैंकिंग 11 है और जिम्बाब्वे का है 12, तो दोस्तों इनके डिफरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल रैंकिंग। सॉरी गाइस, आयरलैंड का इंटरनेशनल रैंकिंग 10 है और जिम्बाब्वे का है रैंकिंग इंटरनेशनल में 12, ठीक है। शॉन मेयर्स ओपन मुदस्टर मुपचिकुआ त्रिपानो मुसोंडा एंडलोवू नोकोमो, कुछ होगा बैटिंग ऑर्डर। ध्यान दो टॉस के ऊपर, टॉस में कौन बॉल फर्स्ट कर रहा है कौन बैट फर्स्ट कर रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर जिम्बाब्वे ने बॉलिंग फर्स्ट ले लिया तो दोस्तों ये मैच बैलेंस होगा, बट अगर आयरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट ले लिया तो सॉरी आयरलैंड ने बॉलिंग फर्स्ट ले लिया, जो भी जीतेगा बॉल लेगा, अगर बॉलिंग फर्स्ट ले लिया आयरलैंड ने वैसे में दोस्तों ये मैच आयरलैंड के फेवर में वन साइडेड हो जाएगा। शॉन मेयर्स एज अ प्लेयर ले सकते हो अपने टीम में, क्या कैप्टनसी बनाना है, कैप्टनसी तो मत ही बनाओ, टीम में भी दोस्तों 50% टीम में रखो, 50% ड्रॉप करो, मस्ट पिक नहीं है। ना ही मुडस्टर मुपचिकुआ, एमई हंटर जो है ना, मेरा मानना है कि वो ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन रहेंगी इस मैच में एज विकेट कीपर, उसके बाद मुडस्टर मुपचिकुआ। मुपचिकुआ थोड़ी स्लो क्रिकेट खेलती है बट विकी से वैल्यू दे सकती है फील्डिंग फर्स्ट। त्रिपानो 36 बहुत अच्छा नॉक था, मुसोंडा की भी अच्छा नॉक था, बट क्या कंसिस्टेंट है दोस्तों? देखो मुसोंडा त्रिपानो और शॉन मेयर्स से आप किसी एक को ही रख सकते हो, तो मेरा मानना है कि किसी को मत रखो, आउट ऑफ थ्री जस्ट एक प्लेयर आपको स्कोर देगा बड़ा। केलिस एंडलोवू मस्ट पिक है इस मैच में, जहर पिक है और स्पेशली बॉल फर्स्ट, क्योंकि बॉलिंग करेंगी और ये बैटिंग भी कर लेती है थोड़ी बहुत, तो ये हमारे लिए मल्टी प्लेयर रहेंगी दोस्तों, मस्ट पिक प्लेयर होंगी। 35 मैच 34 विकेट 97 ओवर 601 रन, मस्ट पिक। नोकोमो बॉलिंग फर्स्ट जहर पिक है, बॉल सेकेंड एक बार आप सोच सकते हो ड्रॉप रोटेट करने का, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट इनिंग्स में हुआ दोस्तों नोकोमो आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहेंगी, कब स्पेशली बॉल फर्स्ट मस्ट हैव है, गो टू प्लेयर है दोस्तों नोकोमो। मुजाजी इग्नोर करेंगे, प्रीसियस मरांगे देखो लास्ट दोनों मैच में 2 ओवर और 1 ओवर, अभी मैं इसको नहीं लूंगा, ये हार्ड हिटिंग कर लेती है लोअर ऑर्डर बट बैटिंग बहुत नीचे कर रही है और बॉलिंग ओवर कंप्लीट नहीं है इनका। मजविशिया ने ओवर कंप्लीट भी किया और इन्होंने डेथ भी किया, ये 10 नहीं होगा ये 4 होगा, मस्ट पिक प्लेयर है दोस्तों मजविशिया, बट बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकेंड जरूरी नहीं है, मस्ट पिक तो नहीं है बट डेफिनेटली बॉल फर्स्ट ज़्यादा सेफ ज़्यादा साउंड चॉइस रहेंगी दोस्तों, मजविशिया बॉलिंग फर्स्ट, ठीक है। चिपारे और मवेरो दोस्तों, चिपारे का तो 3 ओवर मिला था, मवेरो ने 4 ओवर, बट मवेरो हुआ या फिर चिपारे इनके ओवर्स कट हो सकते हैं। चिपारे 13 मैच में 34 ओवर 5 ही विकेट है, और अगर वहीं पे देखोगे मवेरो 9 मैच में 25 ओवर में 6 विकेट, तो इनके बेसिकली जो ओवर्स है वो कट होते हैं दोस्तों, तो हम लोग कंसिस्टेंट नहीं मान सकते इनको। ओपनिंग बॉलिंग नोकोमो मरांगेल मवेरो, डेथ में ओद्रे मजविशिया नोकोमो चिपारे, लास्ट मैच में मजविशिया लास्ट ओवर डाला था, नोकोमो भी डाले थे दोस्तों, ये देखो नोकोमो कहाँ गया, ये देखो 15th और 19th ओवर डाला, वहीं पे मजविशिया का अगर देखोगे तो 17-20, तो ये डेथ ओवर डाला बहुत ज़रूरी है। मवेरो 1 ओवर पीछे डाला, चलो मैं एक बार मवेरो के बारे में सोचूंगा, बस चिपारे नहीं रहेंगे हमारे पास फिलहाल। देख लो जिम्बाब्वे बॉलिंग फर्स्ट करता है तो हमारे लिए सेफ ऑप्शन होंगे इनके बॉलर्स बैक करना। लॉरेन दशुमा और कई प्लेयर्स हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हो। हेड टू हेड 2024 इसी साल हरारे में एक लंबा सीरीज हुआ था, आयरलैंड ने 138 पे 7 बनाया 20 ओवर में लास्ट मैच में। गैबी लुइस 42, ओला पेंडरगेस 42, लॉरा 18। बॉलिंग से ओला का विकेट था 3, लॉरा डिलानी का 3 था, ली पॉल का 1 विकेट था। जिम्बाब्वे 124 पे 8 20 ओवर में। मैरियनी मुसोंडा 52 रन बना दिया था उस मैच में, बट उसमें ओपन आई थी दोस्तों मुसोंडा। एंडलोवू 32, 12 मवुंगा, बेस्ट बॉलर एंडलोवू, बॉल फर्स्ट 3 विकेट, मरांगे सिवांडा 2 विकेट ईच, बट उस टाइम पे मरांगे ओवर कंप्लीट कर रही थी, अभी नहीं कर रही है। उसके उसी सीरीज में एक और मैच में जिम्बाब्वे जब बैट फर्स्ट किया 8 ओवर में 65 पे 5, किसी ने रन नहीं बनाया खास, मवेरो ने सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट निकाला। आयरलैंड 70 रन चेस कर लिया, गैबी लुइस 22 और ओल्डा पेंडरगेस 22, गैबी का 25। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, जो ये ओल्डा पेंडरगेस है ना बहुत तगड़ी चॉइस है, टीम में रख सकते हो स्पेशली बैट फर्स्ट, चेजिंग में एक बार सोच सकते हो ड्रॉप रोटेट का, बट बैट फर्स्ट मेरे हिसाब से सेफ रहेगा किसी भी बॉलर की जगह, क्योंकि बॉलर्स के ओवर्स कट होने के चांसेस रहेंगे बोथ एंड से। फिलहाल ये रहेगा कवरेज, हम लोग चलते हैं ड्रीम 11 टीम में, तब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक एडेड है।
दोस्तों अगर जिम्बाब्वे ने बॉलिंग फर्स्ट ले लिया, वैसे में दोस्तों नोकोमो कैप्टन वीसीएमआर रिचर्डसन, एक और कैप बीसी मेरा कम्बिनेशन रहेगा लॉरा डिलानी और केले सैंडलर, वो बेसिकली जो सेफ है ना वो लॉरा डिलानी और नोकोमो, बट जो रिस्की है बट लॉजिकल लग रहा है एमआर रिचर्डसन और एंडलोवो भी। दोस्तों अर्लिन कैली को मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अर्लिन कैली कंप्लीटली कैप्टन डिपेंडेंट दोस्तों, अगर ओवर कराती है डेथ में तो सही है, अदरवाइज नहीं तो हम लोग को पता नहीं है डेथ में करेंगी भी या नहीं। गैबी लुइस, एमी हंटर, ओला पेंडर्स, शॉन मैस को ड्रॉप रोटेट कर सकते हो आफ्टर टॉस, मजविशिया, यहाँ पे शॉन मैस की जगह ना मभेरो को ऐड कर सकते हो स्पेशली बॉल फर्स्ट, बट वही बात है कि अगर ओवर कंप्लीट नहीं किया तो फंसेंगे। यहाँ पे करा मुड़े हमारे पास, फिलहाल के लिए ये रहेगा मेरा टीम। इस मैच का कुछ भी और अपडेट हुआ, नेक्स्ट मैचेस के कवरेज होंगे या फिर हुआ डेमो टीम, शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे। दोस्तों आपको जुड़ना है टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।